वेलकम फ्रेंड्स, सी आवर क्वेश्चंस रिलेटेड विथ लीनियर इक्वेशन। टुडे वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चंस रिलेटेड विथ लीनियर इक्वेशन एंड द वर्ड प्रॉब्लम्स। वी आर टेकिंग द वन प्रॉब्लम हियर। सी हियर, डिवाइड रोप ऑफ द लेंथ 560 सेंटीमीटर। हम क्या कर रहे हैं अभी, वी आर डिवाइडिंग। डिवाइड रोप ऑफ द लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू द टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू द वन थर्ड ऑफ द लार्जर पार्ट। एक रस्सी है, एक रोप है, उसके दो टुकड़े किए। कैसे किए? दो टुकड़े, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो हम क्या करना है, हमको लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट बी इक्वल टू एक सेंटीमीटर। उसके बाद में लार्जर पार्ट जो है उसका क्या करेंगे, वाई सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास में दो पार्ट आ गए, एक से स्मॉलर पार्ट, दूसरा है लार्जर पार्ट। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बता रही है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 560। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 560 मीन्स स्मॉलर पार्ट की लेंथ और लार्जर पार्ट की लेंथ, ये दोनों मिला के कितनी आ रही, 560। दैट वी आर रिटर्न सी हियर। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बता रही है, टू टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट की टू टाइम्स इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ वाई। दैट वी आर रिटर्न, अभी देखेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वी विल गेट 6x इज इक्वल टू वाई। एंड उसको ट्रांसफर कर देंगे हम, क्योंकि इक्वेशन लिखते समय हम क्या करते हैं, वी राइट ऑल द वेरिएबल्स, मीन्स एक्स एंड द वाई इट शुड बी ऑन द एट द लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू। अभी व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड विथ लीनियर इक्वेशन, व्हाट वी डू, वी राइट बोथ द इक्वेशन वन बिलो टू अनदर, एक के नीचे एक हम क्या रखते हैं। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 560, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन। यह है हमारा इक्वेशन नंबर वन। हमने क्या लिखे, दोनों भी इक्वेशन एक के नीचे एक लिखे। नाउ आफ्टर दैट यू सी द वेरिएबल, हमको एक तो एक्स का वेरिएबल सेम लाना है, नहीं तो वाई का वेरिएबल सेम लाना है। तो यहां हमारे पास में वाई का वेरिएबल है वन, यहां भी वाई का वेरिएबल है वन, लेकिन प्लस माइनस है, तो हमारा काम अभी अच्छा हो जाएगा। सो मेक द एडिशन हियर, एड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सी हियर, मेक द एडिशन हियर, 6x प्लस 1x इट इज 7x, प्लस वाई माइनस वाई गेट्स कैंसल, हियर इक्वल टू द 0 प्लस 560, इट इज इक्वल टू द 560। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, 560 डिवाइडेड बाय 7, इट इज इक्वल टू 80। एक्स इज इक्वल टू 80, हमको क्या मिल गया अभी, एक्स इज इक्वल टू 80 मिल गए। वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी ये एक्स इज इक्वल टू 80 ये कौन से भी इक्वेशन में रख देंगे हम। नाउ सी हियर नेक्स्ट पार्ट, पुट एक्स इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे। राइट द इक्वेशन नंबर वन, व्हाट इज आवर इक्वेशन नंबर वन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 560, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। सो एक्स इज इक्वल टू 80, 80 प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 560, वाई इज इक्वल टू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई, इट इज इक्वल टू 560 माइनस ऑफ 80 इज इक्वल टू, मेक द सब्सट्रैक्शन हियर। अभी हम क्या करेंगे, उसको सब्सट्रैक्शन करेंगे। हाउ इट विल बी, इट विल बी द 480, हमको मिल गया ये 480। मीन्स देयर फोर वाई मीन्स वॉट, Y means it is the length of larger part. हमारी क्या है, length of larger part. Therefore, length of larger part is
y is equal to how much? It is equal to the 480 centimeter. So we got this value. Now you take another type of question. दूसरे type का question हम देखने वाले हैं, which is also related with word problems. In a competitive examination, एक competitive examination है, उसमें क्या है, there were the 60 questions. उसमें कितने questions थे? 60 questions थे. And the correct answer would carry the 2 marks. Correct answer के लिए 2 mark मिलते और incorrect answer के लिए 1 mark मिलते. It would be 1 mark will be subtracted. ये जो है 1 mark उसमें से subtract होंगे. Yashwant had attempted all the questions and he got the 90 marks. Then how many questions he got the wrong? उसके question जो है कितने wrong हो गए? देखने वाले हैं वो भी. Very interesting question. So in this, let the number of the correct answer given by Yashwant be equal to x. Let the number of correct answers given by Yashwant be equal to the x and wrong answer be y. Now after that, what is our first condition? हमारी पहली वाली condition कैसे देखेंगे? According to the first condition, x plus y, total questions कितने हैं? 60 है, means x plus y करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चन और करेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर कितने लिए हमने? y लिया है. सो x प्लस वाई, सो वी आर टेकिंग द फर्स्ट कंडीशन हियर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60. मीन्स x क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन जो है होंगे उसके आंसर हमने x माने हैं करेक्ट वाले, इनकरेक्ट जो है वो क्या y माने हैं. मीन्स दोनों मिला के जो आंसर्स होंगे कौन से क्वेश्चन के जो हमने को सॉल्व करने हैं, दैट विद द 60 क्वेश्चंस आर देयर. कितने क्वेश्चंस है? 60 क्वेश्चंस है. करेक्ट आंसर जो है एक्स है, रॉन्ग आंसर के लिए हमने वाई माना है. और ये दोनों भी आंसर जो है ये किसके होंगे? क्वेश्चंस के होंगे, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 60. दैट्स व्हाई वी आर टेकन हियर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, कोई इक्वेशन नंबर 1. After that, for each correct answer, 2 marks are given. क्या दिया उन्होंने देखेंगे अभी. For correct answer, answers two marks are given. And for x correct answer, 2x marks are given. Means correct answer के लिए 2 mark है, तो correct answer जो है हमने क्या पकड़ा है? x माना है. Therefore, for x answers, for x answers, two x marks are given.
फॉर ईच रॉन्ग आंसर अभी देखेंगे हम रॉन्ग आंसर कैसा है. वी आर टेकिंग द रॉन्ग आंसर हियर फॉर ईच रॉन्ग आंसर. वन मार्क इज डिडक्टेड. उसमें से क्या वन मार्क जो है क्या डिडक्ट करते हम. वन मार्क इज डिडक्टेड. देयर फोर व्हाट इज अवर सेकंड कंडीशन. व्हाट विल बी अवर सेकंड कंडीशन कैसे रहेंगी. अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन दैट इज 2x-y. ये करेक्ट आंसर है. उसमें से इनकरेक्ट आंसर माइनस होंगे. एंड विल गेट हियर कितने मार्क हो जाएंगे. ही गॉट द 90 मार्क्स. कितने मिलेंगे उसको 90 मार्क्स मिलेंगे. मीन्स करेक्ट आंसर किए उसके बाद भी इनकरेक्ट आंसर किए तो उसमें से जो भी कुछ रहेंगे इट विल बी इक्वल टू द 90. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी गॉट बोथ द इक्वेशन. दोनों भी इक्वेशन हमको मिल गए. व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप. वी राइट बोथ द इक्वेशन वन बिलो टू अनदर. वी हैव ऑलरेडी रिटन इक्वेशन नंबर 2. राइट हियर इक्वेशन नंबर 1. एक्स प्लस ऑफ वाई दिस इज 2x-y इज हियर. सी इट शुड बी रीड इट एज अ वाई. 2x-y इज इक्वल टू 90 प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू हाउ मच 60. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सॉल्व दिस. माइनस प्लस इज देयर सो एड इक्वेशन 1. एंड 2. माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल बनेगा. सो इट विल हियर 2x+x इट इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 60+90 इट विल बी द 150. देयरफोर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू सी हियर 3x इज इक्वल टू 50 150. सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 3. सो इट विल बी इक्वल टू 50. मीन्स करेक्ट आंसर जो है कितने रहेंगे उसके 50 है. नाउ फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y क्या करते हैं हम. वी कीप द वैल्यू हियर. पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1 में रख देंगे बिकॉज दिस इक्वेशन इज इजी. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 कीप हियर. 50 प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 60 वाई इज इक्वल टू 60 वाई 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दिस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 कीप द वैल्यू हियर. 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 60 वाई इज इक्वल टू 60 वी गॉट द वैल्यू ऑफ वाई. सॉरी 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 60 सो वाई इज इक्वल टू इसको इधर लेके आएंगे हम इट विल बी द 50 सो इट इज इक्वल टू द 10. मीन्स करेक्ट आंसर कितने आए हैं. ये वाई को क्या माना था हमने इट वॉज द रॉन्ग आंसर. सो देयर फोर यशवंत गॉट जो उन्होंने पूछा है लिखेंगे. देन हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट द रॉन्ग. उसको कितने क्वेश्चंस जो है उसके रॉन्ग हुए. देयरफॉर नंबर ऑफ द क्वेश्चंस क्वेश्चंस
रॉन्ग, इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन, नंबर ऑफ द क्वेश्चन रॉन्ग इज इक्वल टू द 10 क्वेश्चन मीन्स 10. Now you see another question. If the length of the rectangle is reduced by 5 units से रिड्यूस किया हमने. रेक्टेंगल हमको मालूम है इट इज ऑफ दिस साइज, इस प्रकार का रहता है रेक्टेंगल, इट इज ऑफ दिस टाइप. यह है रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड पैरल और कॉन्ग्रुएंट रहती है, इसको लेंथ रहती है और ब्रेथ रहती है. तो इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 5 units एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 units, जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उससे रिड्यूस किया और एक इंक्रीज किया, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 9 square units. उसके बाद में उसका एरिया कैसा रिड्यूस होता है, कम होता है 9 square units से. इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 3 units एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 units देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल इंक्रीज बाय 67 square units. देन फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. वेरी सिंपल एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी क्या मानेंगे हम, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी इक्वल टू द एक्स. रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ हम मानेंगे इट इज इक्वल टू एक्स. ये है हमारा रेक्टेंगल, लेंथ ये रहती है, ब्रेथ ये रहती है. मीन इसको एक्स माना, इसको वाई माना हमने. सो हियर लेट द लेंथ एंड द रेक्टेंगल बी लेंथ बी इक्वल टू एक्स, ब्रेथ बी इक्वल टू द वाई. उसके बाद में एरिया हम निकालते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज देयर. सो एक्स लिखा और वाई लिखा, हमारा एरिया कितना मिल गया, यहाँ एक्स वाई मिला है. वॉट इज अवर फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बता रहे देखेंगे अभी. यू आर सीइंग द फर्स्ट कंडीशन, इफ द लेंथ इज रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 5 units, लेंथ कितना माना था एक्स, तो ये एक्स माइनस 5. उसके बाद में ब्रेथ कितना इंक्रीज हुआ है 3, वाई प्लस 3. अभी एरिया निकालेंगे हम, उसका एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्स प्लस एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू. उसके बाद में एरिया कितना रिड्यूस हो रहा है, इट इज बाय 9. एरिया है ये एक्स वाई, ये रिड्यूस हुआ है 9 से. अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, मेक द मल्टीप्लीकेशन. यू नो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट, कैसे मल्टीप्लीकेशन करते, एक्स माइनस 5 एंड वाई प्लस 3, दिस इंटू दिस एक्स वाई, दिस इंटू दिस 3x माइनस 3 इंटू वाई 5y माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 5 इंटू 3 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. एक्स वाई एंड द एक्स वाई दे आर ऑन द बोथ साइड, सो इट विल गेट कैंसल. 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 9. राइट इन अ इक्वेशन, प्रॉपर इक्वेशन में लिखेंगे एक्स और वाई वाले एक साइड में, कॉन्स्टेंट टर्म्स दूसरे साइड में. माइनस 9 इज ऑलरेडी देयर, यू ट्रांसफर दिस टू द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम प्लस. सो we are getting here the equation 1, 3x minus 5y is equal to 6, equation number 1. उसके बाद में देखेंगे हम दूसरी वाली कंडीशन क्या बोल रही है. What or says, what then next condition says, if the length is reduced by 3 units, length reduce हो गई, मैंने कितना हो गया x minus 3, breadth is increased by 2 units, breadth कितना हो गया 2 से increase हो रहा है, means y plus 2, then the area of the rectangle is increased by 67. देखेंगे हम अभी, ये देखेंगे लेंथ इज रिड्यूस बाय 3, ब्रेथ इज रिड्यूस बाय इंक्रीज बाय 2, तो उसका एरिया हमको मिल गया एक्स वाई, और एक्स वाई एरिया कैसा इंक्रीज हो रहा है 67 से इंक्रीज हो रहा है. सो सॉल्व दिस, मेक द मल्टीप्लीकेशन हियर, दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यू विल गेट हियर एक्स वाई दे आर ऑन द बोथ साइड, विच विल गेट कैंसल हियर. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 67, उसको इधर लेके आए, इट विल बी दिस इक्वेशन नंबर 2, दैट वी गॉट इट. उसके बाद में ये छोटा होता है कि देखेंगे इक्वेशन नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन जो है वेरिएबल जो है उसको सेम करेंगे, कौन से भी वेरिएबल को सेम करेंगे. राइट द बोथ द इक्वेशन 1 बिलो टू अनदर, देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इसमें 5 है इसमें 3 है, तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 जो है एक्स का कोएफिशिएंट है 3, एक्स का कोएफिशिएंट 2, तो हम क्या करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट जो है सेम करेंगे. मीन्स ये है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2,
तो यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे, देखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 बाय 2 बाय 3। तो उसके बाद में हमको ये नया इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद में दोनों भी इक्वेशन एक के नीचे एक लिखे हमने, वी आर रिटर्न बोथ द इक्वेशन वन बिलो टू अनदर। उसके बाद में सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमको कैंसिल करना है x की। सब्सट्रैक्ट करते समय हम क्या करते हैं, वी चेंज द साइन, सो इट इज माइनस प्लस है कैंसिल बनेगा, माइनस 9y प्लस 10y, माइनस 9y प्लस 10y, सो इट विल बिकम कितना आ जाएगा, माइनस 9y प्लस 10y, इट इज इक्वल टू द y इज हियर, माइनस 9 प्लस 10, सो इट इज इक्वल टू 219 माइनस 12 कहिए, इट विल बी इक्वल टू द 207। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, अभी क्या करेंगे हम, वी विल कीप द वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 207 इन एनी इक्वेशन, मीन्स वी आर टेकिंग हियर इक्वेशन नंबर 1। वेर इज आवर इक्वेशन नंबर 1, सी हियर 3x, माइनस 5y, ये हमारा इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें लिखेंगे हम यहां 3x माइनस 5 इंटू 207 इज इक्वल टू 6, मेक द मल्टीप्लीकेशन, 3x माइनस 5 इंटू 207, मेक द मल्टीप्लीकेशन, इट विल बी हियर 1035 इज इक्वल टू 6, ट्रांसफर दिस, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 1035 इज इक्वल टू 1041, देयरफोर x इज इक्वल टू 1041 डिवाइडेड बाय 3, मेक द डिवीजन हियर, इट विल बी द 347। मीन्स उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड आउट द लेंथ, उन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफोर लेंथ इज इट इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ कितना लिया था हमने, इट इज इक्वल टू ब्रेड इज इज इक्वल टू 207 यूनिट्स। नाउ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी, ए और बी प्लेस है ऑन द रोड इज द 70 किलोमीटर्स, ए और बी प्लेस है उनका डिस्टेंस जो है, सपोज वी आई कंसिडर हियर, लेट द स्पीड, एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी, दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दे विल मीट आफ्टर द 7 आवर्स, If they travel towards each other, they will meet after the 1 hour. Find their speed. उनको स्पीड निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू ए बी एक्स किलोमीटर, ये लिया हमने, देखेंगे अभी वी आर ड्रॉइंग द डायग्राम, दिस इज this is point A, this is point B, distance दिया उन्होंने, how much is given, distance between two places on the road is 70, हमने लिया ये 70 किलोमीटर, इतना है ये। After that यहां लिखेंगे हम distance between A and B, इतना दिया है, इट इज इक्वल टू 70 किलोमीटर, प
पहली वाले केस कंसीडर कर रहे हैं, हम देखेंगे अभी केस नंबर वन। दो केसेस उसमें आ सकते हैं। पहला वाला जो है, लेट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी एक्स, ए से शुरू हो रही कार यहां से जा रही है ऐसी ऐसी, उसकी स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी द वाई किलोमीटर, यहां से दूसरी कार शुरू हो रही है, ये पहली कार है उसका एक्स किलोमीटर पर आवर है, दूसरा है वाई किलोमीटर पर आवर। दिस इज द पॉइंट सी, दैट इज द डेस्टिनेशन, पॉइंट सी है ये। दे विल मीट आफ्टर द 7 आवर्स, वो 7 घंटे के बाद में यहां मिलेंगे। टाइम टेकन बाय बोथ कार टू रीच द पॉइंट सी, यहां उनको पहुंचना है, ये कितना लग रहा है उनको, 7 घंटे लग रहे एक ही पॉइंट पे, यहां से एक निकली यहां से एक निकली। दोनों का भी कॉन्टैक्ट कब होगा, जब कब दोनों भी कार मिलेंगी एट द पॉइंट सी, तो हम यहां लिखेंगे अभी टाइम टेकन। पहले केस में क्या है, बोथ कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे। जहां एक्स किलोमीटर जो है, एक्स की जो स्पीड जो है ये ज्यादा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज हियर, मीन्स कार ए की स्पीड कार बी के जो दूसरी वाली कार है उससे ज्यादा है। सो हियर टाइम टेकन बाय कार्स टू रीच पॉइंट सी इज कितने घंटे लग रहे, 7 आवर्स लग रहे। दोनों भी कार जो है कब कहां मिलेंगी, पॉइंट सी पर, लेकिन कहां, 7 घंटे के बाद में, 7 आवर्स के बाद में। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज द 70 किलोमीटर, ए और बी का दोनों का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर। देयरफोर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस A and B is equal to 70 kilometers. Distance covered by car from point A in 7 hours is, तो हम लिखेंगे systematically, अभी क्या दिया है यहां देखेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ए एंड बी इट इज इक्वल टू द 70 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन कितना है, ए एंड बी 70 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, यहां लिखेंगे अभी नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार from point A
इन 7 आवर्स, उसको कितने लग रहे, 7 घंटे लग रहे, इज इक्वल टू 7x किलोमीटर। ए से निकल रहने वाली कार कितने लग रहे उसको, 70 किलोमीटर। उसके बाद में डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट बी इन 7 आवर्स इज, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट बी इन 7 आवर्स इज इक्वल टू 7y। नाउ सी हियर, हमको चाहिए ए बी, तो कैसा, ए सी माइनस बी सी, पहली वाली कंडीशन में क्या है, ए सी माइनस बी सी। नाउ ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, वी आर गेटिंग हियर द ए बी, सो हियर 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70। हमको पहला वाला इक्वेशन अभी मिल गया, वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन, हमको पहला वाला इक्वेशन मिल गया अभी, वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इज हियर, लेकिन ये क्या है, छोटा वाला इक्वेशन हमको चाहिए, यू कैन रिड्यूस इट, सो डिवाइड बाय 7, सो विल गेट हियर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ केस 2, दूसरी वाली केस कैसे देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग केस 2। दूसरी वाली जो केस है उसमें क्या है, बोथ कार ट्रेवल्स टुवर्ड्स इच अदर, दोनों भी कार कैसे एक मेक के तरफ जा रहे, दे आर कमिंग ईच अदर, दे आर ट्रेवलिंग ईच अदर, बोथ कार्स ट्रेवल टुवर्ड्स इच अदर, सो वी आर ड्रॉइंग द वन डायग्राम हियर, सी हियर, इज अ पॉइंट ए, एक कार यहां से निकल रही है एक्स किलोमीटर पर आवर से, दूसरी कार जो है यहां से निकल रही है पॉइंट बी से, इट इज टुवर्ड्स द वाई किलोमीटर, ये इधर जा रही है, दूसरी जो निकल रही है वाई किलोमीटर पर आवर से, ये इधर आ रही है, दोनों भी कहां मिल रहे, पॉइंट सी पे, मीन्स और दोनों का डिस्टेंस कैसा है, इट इज इक्वल टू द 70 किलोमीटर, हमको मालूम है, दिया है हमको, इट इज द 70 किलोमीटर, ए और बी का डिस्टेंस, दिस वन, ए और बी का डिस्टेंस हमको दिया है, इट इज इक्वल टू द 70 किलोमीटर। सो टाइम टेकन बाय बोथ कार टू मीट एट द पॉइंट सी इज इक्वल टू 1 आवर, एक कार यहां से निकली दूसरी कार यहां से निकली, दोनों भी मिलने के लिए एक जगह पर मिलेंगे, वो है पॉइंट सी, वो कितना घंटा लगेगा उनको, 1 आवर लगेगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय बोथ कार्स to meet at point C is equal to 1 hours, how much, इसको एक घंटा लग रहा,
therefore distance covered by car from point A in 1 hour is, from A is equal to x kilometer. Similarly, distance covered by car in 1 hour, that is from point B, is equal to y kilometer per hour. सॉरी ओनली वाई डिस्टेंस कितना है वाई, तो हमारी नई कॉली कंडीशन बनेंगी अभी एसी प्लस बीसी इज इक्वल टू एबी, हमको क्या चाहिए एबी दिया है, सो इट इज इक्वल टू एसी प्लस ऑफ बीसी इज इक्वल टू एबी, सो एक्स प्लस वाई is equal to 70. This equation number 2, हमको नया वाला equation मिल गया, this is equation number 2. अभी दोनों भी equation हमको मिल गया, अभी you write both the equation one below to each other, दोनों भी equation एक के नीचे एक लिखेंगे, so our equation first equation is x minus y is equal to 10, equation number 1. दूसरा वाला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर 2. जो मेथड है हमारी उस मेथड से सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों भी प्लस माइनस है, एक का कोएफिशिएंट है माइनस वन, एक का कोएफिशिएंट है प्लस वन, सो इट विल गेट कैंसल, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. सो हियर माइनस वाई प्लस वाई एक्स प्लस एक्स टू एक्स इज इक्वल टू 80, देयरफोर एक्स इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू 40. पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन एनी इक्वेशन, x is equal to 40 in equation 1 में रख रहे हम, therefore write here equation number 1 at first, x minus y is equal to 10, x की वैल्यू 40 minus y is equal to 10, therefore इसको इधर लाएंगे, इधर लेके आएंगे हम, so here y is equal to, y को इस साइड में लेके आए, 70 माइनस 40, माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो हम क्या करेंगे 40 को इस साइड में लेके आएंगे और y को इस साइड में लेके आएंगे, सो इट विल बी 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30, देयरफॉर स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम A इज द 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द कार starting from B is 30 kilometer per hour. Students, if you have any type of the question or the difficulty related with this, you can ask me in a comment box. And students, don't forget to subscribe our channel so for getting the newly updated videos. Thank you very much.